एक दांत टूट गया ना, फाइनली टूट गया। हेलो, वेलकम ऑन माय चैनल जॉब फिटनेस। और मेरा नाम है चंदन सिंह चौहान, आप देखना स्टार्ट कर चुके हो मेरे साथ मेरा चैनल। और ये पोस्ट है सिर्फ वाईफाई के बारे में, क्योंकि एक दांत टूट गया ना, फाइनली टूट गया ना, अब ये बाहर निकल रहा ना दांत। और जब अभी टूटे, और ये तीसरा दांत जो निकल रहा है अभी टूट टूट के। चड्डी पहलवान के दो दांत टूट चुके हैं, तीसरा दांत ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है, अब ये भी दांत इसका टूट जाएगा, तब इसको पता लगेगा कि कितना मजा आता है। और चड्डी पहलवान पैंट, ये भाई साहब कह रहे चड्डी उतर रही है, पैंट पहन लो, इनकी पैंट पहना दो इनको, बस काम हो गया स्कूल का। वह भी तो अपना स्कूल का काम करा, जो उसको डेली बेसिस पे ऑनलाइन काम मिल जाता है। आजकल के बच्चे से है ना, फोन लेके पढ़ाई करते हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ होता भी नहीं था। साथी मैडम की तरह बिगल जाएंगे, क्या फायदा, डालो। हाँ हाँ बिल्कुल डालूंगा मैं, मेरा तो चैनल चलता है यूट्यूब के ऊपर, ऐसे किसी का व्लॉगिंग के लिए ही मैं डालता हूँ स्पेशली। ओके तो यार ये सीरियसली ना एक बहुत छोटी सी क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि लॉकडाउन की ड्यूरेशन में काम बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन ये है कि लॉकडाउन की वजह से कोई काम कर नहीं पा रहा अभी प्रॉपर तरीके से। और अभी जो मेरा इंस्टॉलेशन अगर चल रहा है, अगर आप देखो, मैं दिखाता हूँ भाई को, दिखाता हूँ मैं आपको। ये भाई अभी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, यहाँ से ये तार ये वायर यहाँ से खींचेगा, यहाँ से जाएगा और उसके बाद ये सीधा सोसाइटी में अंदर जाएगा। और ये ध्यान से देखिए इस राक्षस को, जो लॉकडाउन में भी थोड़ा सा राशन वाशन बांट देता है गरीबों को। ये गरीबों को सबसे बड़े रईस, घूमते रहते हो, काम थोड़ा ना करते हो, खेलते रहते हो, बैट बॉल खेलवा लो। ये अलग, ये क्या कहते हैं उसको, आरोप है हमारे ऊपर। सर ये बंदे ऐसे हैं कि मतलब घर में बैठना नहीं है, लॉकडाउन में भी घर के बाहर रहना, इससे बेहतर है कि आप इन्हें ऑफिस में बुलाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये एडिट कर दिया जाएगा। अब ये वाला जो राउटर है नेटगियर का, अब इसमें भैया ये कह रहे हैं कि ये जो राउटर है ये पुराना मॉडल है और इसकी जो स्पीड है वो स्पीड आएगी नहीं एज़ कम्पेयर टू जो टिप लिंक का जो राउटर है। अगर आप इसमें देखो, ये दे रहा है थोड़ा सा शाइनी आ रहा है, मैं हाँ अभी दिखा रहे, देखो 300 Mbps वायरलेस राउटर, ठीक है। और इसमें है आपके 4-in-1 एक्सेस पॉइंट रेंज एक्सटेंडर WIPS राउटर। तो इसमें अभी यही कहानी चलेगी, अब मैं ये राउटर लगाऊँ, अब ये राउटर जो ये 1200 रुपये का है, ठीक है, ये राउटर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अभी मैं आई एम गोइंग टू बी इंस्टॉल दिस वन की, अगर स्पेस स्पीड सही मिलती है, अगर स्पेस स्पीड सही नहीं मिली तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये वाला राउटर लगाऊँ, जो कि ये जो दिख रहा है आपको, मैं ये वाला राउटर मैं लगवाने की कोशिश करूँगा। अगर ये बस मैं उसी सिचुएशन में लगवाऊँगा अगर मुझे इसमें स्पीड सही नहीं मिलती, अगर मुझे स्पीड सही मिली तो मैं इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। होम बेस वर्क आई एम गोइंग टू बी स्टार्ट, अगर आज मेरा नेट कनेक्ट हो जाता है तो मैं अपना होम बेस वर्क में स्टार्ट कर दूँगा। और अभी मैं दिखाऊँ तो यूजली अभी भैया जो वाईफाई की फिटिंग के लिए जिनको मैंने बोला अभी वो फिटिंग का काम कर रहे हैं, और ये पुराना पीस है राउटर का और ये वाला नया है। भैया ये कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो राउटर है इसमें स्पीड कम है क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है, और ये वाला नया है इसकी स्पीड इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि पहले मैं इसको चला के देखूँ, अगर ये चल जाता है और मेरा सिस्टम अगर इससे सही चलता है तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं एडिशनल पैसा खर्च करना नहीं चाहता। और अगर इसमें कुछ दिक्कत लगती है, अगर स्पीड में प्रॉब्लम आएगी तब मैं इसको यूज़ करूँगा। तो अभी तो बस इंस्टॉलेशन चल ही रहा है और अभी भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, तो लेट्स सी। फाइनली आज आई एम गोइंग टू बी गेट माई इंटरनेट कनेक्शन। तो अगर ये इंटरनेट कनेक्शन अगर आज मेरा हो जाता है सक्सेसफुल तो शाम से जो मेरा होम बेस वर्क है वो उसको मैं स्टार्ट कर लूँगा, क्योंकि और ये जो भैया हैं काम करने के लिए, मैं यकीन मानना कम से कम मैं पिछले एक हफ्ते से 10-15 लोगों को अप्रोच कर चुका हूँ, ये बंदों की
मैं जियो रिलायंस फाइबर को भी मैं अप्रोच कर चुका हूँ, लेकिन वो लोग भी इसको कैंसिल कर चुके हैं और उन लोगों ने भी साफ साफ मना कर दिया कि वो लोग मेरे एरिया में सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। और फाइनली इनसे परसों बात हुई थी, कल लाइट नहीं आ रही थी शाम को, जिस वजह से कनेक्शन कर नहीं पाए थे, और आज अब मैं कनेक्शन करा रहा हूँ ताकि शाम को मेरा काम स्टार्ट हो पाए। थैंक गॉड की लॉकडाउन के टाइम में भी कुछ लोग इस तरीके का काम करें जिसकी वजह से हम जैसे लोगों को जिनका सारा काम सिस्टम बेस्ड होता है तो उनको बहुत हेल्प मिल गई अपने ऑफिस का काम करने के लिए। फिर अब ये नया अडेप्टर मैं लगवा रहा हूँ और ये पड़ रहा है मेरे को 1200 रुपए का, और भैया ये कह रहे हैं इसकी इस अडेप्टर की जो स्पीड है एज़ कम्पेयर टू जो नेट गियर का मेरे पास अडेप्टर है इससे ज़्यादा स्पीड है। तो लेट्स सी देखते हैं कि इसमें स्पीड मेरे को क्या मिलती है। आई होप कि जैसा भैया अभी बोल रहे हैं कि स्पीड इसमें अच्छी है, और अगर अच्छी स्पीड आए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा वैसी प्रॉब्लम आएगी, वैसे कोई और प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वैसे बारिश वारिश में जैसे अगर मौसम वगैरह अगर ख़राब हो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइनली यार मैं अभी मेल्स वगैरह आई एम नॉट गोइंग टू बी शो एनी मेल्स इन माई सिस्टम। तो अभी फाइनली जो मेरा मेन इशू था वाईफाई का, भैया ने लॉकडाउन की सिचुएशन में इसको शॉर्ट आउट किया, तो हैड्स ऑफ टू हिम कि इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरी रिजॉल्व करी। और मैं बताऊँ तो ये मुझे बताती है सोसाइटी में भी काफ़ी सारे लोगों ने कराया। अच्छा अभी सोसाइटी में कितने लोगों का अभी लॉकडाउन की सिचुएशन में आपने आपने कितने लोगों का कराया अभी? 40-50 कनेक्शन किया, क्योंकि इसकी वजह से मेरा काम जो था बहुत ज़्यादा स्टक था। अभी पेमेंट बता दो मुझे, पेमेंट कितनी करनी है? 37 ऑनलाइन करूँ कैश करूँ? कैश कर देंगे ज़्यादा, ऑनलाइन में दिक्कत है भैया बैंकिंग वगैरह में। तो भैया को पेमेंट करते हैं, भैया को फ्री करते हैं, उसके बाद हम अपनी यूज़ करके अपना नेट। टाइम शायद पता नहीं आप देख पाओ ना देख पाओ, लेकिन रात का इस समय 1 बज चुका है, और जब से मेरा वाईफाई लगा है वो छोटा सा वाईफाई, तो तब से अभी मैंने अपना नेटवर्क स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब से वाईफाई लगा है मैं अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पा रहा हूँ। लेकिन थोड़े बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं जितना, क्योंकि लॉकडाउन का कुछ भरोसा है नहीं कि कितना एक्सटेंड अभी करना पड़ जाए, क्योंकि आज की न्यूज़ के अकॉर्डिंग शायद 30th तक ये जाएगा, 30th of April, तो जब तक बैकलॉग जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इट विल बी बेटर कि अगर हम काम करना अपना स्टार्ट कर लें, और काम जितना ज़्यादा हम कर पाएंगे उतना अच्छा है मेरे लिए, और अगर काम का बैकलॉग अगर बढ़ गया तो एटलीस्ट लास्ट में जाके मेरे को फिनिश करना पड़ेगा, तो बातें कम काम ज़्यादा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस बेल आइकन, सब्सक्राइब बटन एंड हिट लाइक बटन ऑल्सो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब कम्प्लीटली फ्री है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, स्टे ट्यून विद मी।